हे गाइस, मेरा नाम है कृतार्थ पांडे और आपको इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा कि आप एक कैसे इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर बन सकते हैं। जी हाँ, और आपको क्यों सुनना चाहिए इस वीडियो को और क्यों मुझे ही आप सुने, आप दूसरे वीडियोस क्यों ना देखें, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज आई एम तमाशे वाला और मैं पिछले 2 साल 2.5 साल से ब्लॉगिंग या इन्फ्लुएंसिंग का काम कर रहा हूँ। एंड देर आर कंपनीज लाइक डोमिनोज, देर आर कंपनीज लाइक KFC, देर आर कंपनीज लाइक रेड बुल, लेज, जिनके साथ मैं कोलाबोरेट कर चुका हूँ। सो आप बिल्कुल मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप इंस्टाग्राम के ज़रिए कैसे कंपनीज़ को, कैसे ब्रांड को अप्रोच कर सकते हो और वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। ऑफकोर्स, क्या ये आपको इतने पैसे दे देगा कि आपकी ज़िंदगी सवर जानी है? इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे हो अपने काम में और कितना ज़्यादा मेहनत आप अपने कंटेंट पे डालते हो। बट आपको ऑफकोर्स एक ज़रिया पता चल जाएगा, एक तरीका पता चल जाएगा कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हो। सो आप इस वीडियो को देखते रहिए और पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या करना है। सो और उसके पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, तमाशे वाला, TASHEWALA, तमाशे वाला, और आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। सो तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको एक इंस्टाग्राम पेज होना ज़रूरी है, जो आप सबको जानते हो, और उसे एक बिज़नेस प्रोफाइल में अगर आप बदल लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो। सो यू नो, जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हो तो आपको एक पर्सनल प्रोफाइल से बिज़नेस प्रोफाइल की ओर जाना पड़ता है, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। नो, वॉट हैपन्स इज आपको कंटेंट डालना पड़ता है और डिफरेंट, सबसे पहला ईजी वे आई टेल यू, सर्च फॉर द ब्लॉगर्स इन योर सिटी, कि आपके शहर में ब्लॉगर्स कौन है। कैसे सर्च करोगे? आप इंस्टाग्राम के सर्च ऑप्शन में जाओ, अगर आप दिल्ली से हो तो आप लिखो ब्लॉगर्स ऑफ दिल्ली, वहाँ पर बहुत सारे हैशटैग जिन्होंने यूज़ किया उनके प्रोफाइल में जाओ। अगर आपको लगता है कि वो ब्लॉगर्स हैं तो आप उन्हें फॉलो कर लो, आप उनसे DM करके बात कर लो। कैसे हो सकता है वो ना बताएं, आप हो सकता है आपके मैसेज का रिप्लाई ना दे, दैट्स फाइन ऑल्सो। आप देखो कि उन्होंने किस ब्रांड के साथ कोलैब किया है, आप उस ब्रांड के पेज पे जाओ, उनके कॉन्टैक्ट ऑप्शन में जाओ, वहाँ पे एक मेल का ऑप्शन आएगा। ऑलवेज मेक श्योर कि आप मेल कर रहे हो कंपनी को, ब्रांड को। DM करना आसान है, बट आई सजेस्ट यू टू मेक इट अ फॉर्मल मेल, जहाँ पे आप उसे मेल करोगे, उस कंपनी को मेल करोगे और उनसे बोलोगे और इस प्रकार से पिच करोगे कि उनका भी फ़ायदा हो। सपोज़ वो एक घड़ी की कंपनी है, सो आप उन्हें बताओ कि आप उनके घड़ी को कैसे प्रमोट कर सकते हो। राइट, जस्ट डोंट राइट कि सर आई एम अ ब्लॉगर फ्रॉम दिस सिटी एंड आई वॉन्ट टू कोलाबरेट विथ यू, दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई टू योर मेल, इट्स नॉट गोना हैपन। सो वॉट यू नीड टू डू इज़ आपको ऐसा मेल बनाना है कि सर मैं एक ब्लॉगर हूँ और आपका ब्रांड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक आई कैन मेक कंटेंट जिससे आपका ब्रांड ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। अब कोलाबोरेशन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है बाटर कोलाबोरेशन। बाटर कोलाबोरेशन क्या होता है, जहाँ पे ब्रांड आपको चीज़ भेजती है, आप उसे यूज़ करते हो, लोगों तक पहुँचा देते हो, दैट्स बाटर, उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। सेकेंड आता है जहाँ पे पेड कोलाबोरेशन होता है, तो आपको ब्रांड कंपनी सामान भी भेज रही है, चीज़ भी भेज रही है और उसके बदले आपको पैसे भी मिल रहे हैं। सो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, बट हो जाता है यार, अगर आपका सही में अगर आप कंटेंट बनाते हो और अच्छा बनाते हो, सो वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा और कंपनी आपको पैसे भी देना शुरू करेगी। सो दिस इज़ वन थिंग कि आप डायरेक्ट मेल तक जाओ। इसके अलावा बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आई नो ये बहुत लोगों को नहीं पता है, बट व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं जहाँ पे कंपनीज अपने PR के द्वारा जरिए उसमें मैसेजेस करवाती है और आप फिर डायरेक्ट उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आप उसमें सम्मिलित हुई है, शामिल हुई है और वो जो भी बोलते हैं वो करके दीजिए और आपको डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे। आई नो आप व्हाट्सएप ग्रुप तक कैसे जा सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं करना, मुझे इंस्टाग्राम करो, आप मुझे DM करो, मुझे फॉलो करो, वहाँ पे जो भी अपडेट होगा अगर आप मुझे बताओ कि सर आप कृतार्थ भाई मुझे बनना है ब्लॉगर, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ एंड आई विल गाइड यू, दैट्स वन ईजी वे। या दैट्स ऑल्सो नाउ देर आर लॉट ऑफ ऐप्स जो डायरेक्ट कोलाबोरेशन को पहुँचाते हैं, मतलब ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स तक पहुँचाते हैं। सो अगर आप कोलकाता से हैं, सो देर आर ऐप्स लाइक कोफ्लुएंस, देर आर ऐप्स लाइक प्लिक्सो, देर आर ऐप्स लाइक टैग मैंगो। तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे से इंस्टॉल कीजिए, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अगर आपका यूट्यूब है तो उसे कनेक्ट कीजिए एंड देन वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आएगा कि ये कैंपेन चल रहा है, आपको उसमें अप्लाई करना है, आपको कितने पैसे चाहिए उस कैंपेन के लिए, आप उसमें डालिए और अगर आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाता है सो वो आपको ब्रांड से डायरेक्ट कोलाबोरेशन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बोलेगा कि एक फ़ोटो खींच कर डालने इस चीज़ की, मान लो एक चिप्स का पैकेट है उसे फ़ोटो खींच कर डालो और ये कैप्शन रहेगा, ये हैशटैग्स रहेंगे, ये कंपनी को टैग करो, आप डाल देते हो और आपको पैसे भी मिल जाते हैं, आपका ब्रांड के साथ कोलाबोरेशन भी हो जाता है। मतलब बेसिक ज़रिया यही है शुरुआत करने, एंड धीरे धीरे जब आपने फॉलोअर्स गेन कर लेते हो, जब आपके लाइक्स
अच्छे आने लगते हैं, जब आपका रीच अच्छा हो जाता है, जब लोग आपके पोस्ट को ज़्यादा सेव करने लगते हैं, देन कंपनीज आपको डायरेक्ट डीएम करेंगी और आपको अपने इवेंट्स पे बुलाएंगी, आपको अपना सामान भेजना चाहेंगी, जो कि बड़े बड़े ब्लॉगर्स के साथ होता है एंड मेरे साथ भी होता है बहुत बार कि कंपनीज मुझे मैसेज करती हैं, बोलती हैं कि सर आपका ईमेल आईडी चाहिए या फिर आपका फ़ोन नंबर चाहिए ताकि हम बात कर सकें, आपको डिटेल्स भेज सकें, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो धीरे धीरे जब आपका एक बेस हो जाता है तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ऑल्सो मेक श्योर यू नो जस्ट अ टिप, अगर आप इंस्टाग्राम कर रहे हो कि आप अपने स्टोरीज़ को इंटरैक्टिव बनाओ, कि हमेशा यू नो जब आप स्टोरीज डाल रहे हो तो उसमें या तो पोल का ऑप्शन डालो या आस्क अ क्वेश्चन का ऑप्शन डालो, सो दैट मोर पीपल विजिट योर पेज डेली। इससे ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि भाई ये प्रोफाइल हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दे रहा है, तो आपके पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पुश किया जाएगा, सो आपका रीच भी बढ़ेगा और लोगों तक पहुँचेगा भी पोस्ट। ऑल्सो मेक श्योर यू नो जब आप कैप्शंस लिखते हो या फिर आप जब वीडियो बनाते हो उसे बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स यू कैन इफ़ यू कैन, दैट्स नथिंग लाइक इट, बट उसमें ज़्यादा ना फंसे, बट मेक इट ट्रू यू नो, और आप अपना एक अंदाज डालने की कोशिश करें, अपना एक स्टाइल डालने के लिए कोशिश करें, डोंट मेक इट बोरिंग। नोबडी लाइक्स टू यू नो कि आप कितना अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो, ऑफकोर्स ग्रामेटिकली साउंड होना बहुत अच्छी बात है, बट नोबडी वॉन्ट्स टू नो कि आप कितने बड़े विद्वान हो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू द पॉइंट, कम में ज़्यादा बताओ कि भाई 20 रुपये की चाट यहाँ मिलती है, इससे बढ़िया चाट कहीं है नहीं कोलकाता में, दिल्ली में, लखनऊ में, सो मेक इट लाइक दैट यू नो, एंड दैट्स मोर और लेस यही है। फॉलो पीपल, फॉलो जिनका काम आप देखना चाहते हो, अगर आप कोलकाता से हो सो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ द पीपल हु आर इन टू ब्लॉगिंग, हु आर इन टू इन्फ्लुएंसिंग, उनको फॉलो करो, उनसे बात करो, बी काइंड टू देम, एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरे तरह और भी लोग होंगे जो खुशी खुशी आपको गाइड करना चाहेंगे। सो अगर आपका सपना है इन्फ्लुएंसर बनने का तो करो यार, एंड मेक श्योर अगर आप कर सकते हो वर्डप्रेस पे आप अपना एक ब्लॉगिंग साइट भी बना लो जहाँ पे आप ब्लॉग्स लिखो, अगर आपको लिखने का शौक है तो, बिकॉज आप बिना ब्लॉग के ब्लॉगर कहलाना थोड़ा मुश्किल होता है। आई जनरली मैं लिखता हूँ बट ब्लॉग्स ज़्यादा नहीं जाता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसिंग की ओर ज़्यादा हूँ, बिकॉज इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ, दैट्स मोर और लेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दो, लोगों तक पहुँचाओ, और लाइक तो करना बनता ही है, मतलब समझ रहे हो कि अभी तुम इन्फ्लुएंसर हो तो एक इन्फ्लुएंसर की मदद करनी पड़ेगी तुम्हें, और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, और प्यार भरे कमेंट बरसा दो और बताओ कि अगले वीडियो में क्या जानना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, मिलते हैं, बाय बाय।